हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त टीके आरजोक से आ गया हूँ एक बार फिर से आपको हंसाने के लिए। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल टीके आरजोक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। एक मरीज डॉक्टर के पास गया। मरीज, डॉक्टर साहब पतला पतला दस्त लगा है। डॉक्टर, तो लगन दे, तन कौन सी थेपड़ी पाथनी है। लालू यादव घूमने आए एक दुकान में। लालू दुकानदार से, ये बंदरवा का फोटो कितने का है। दुकानदार चुप। लालू दोबारा, ए दुकानदार, ये बंदरवा का फोटो कितने का है। दुकानदार फिर चुप। लालू, ससुरा के कान में ठेपी लगाए होगा, बताते क्यों नहीं, ये बंदरवा का फोटो कितने का है। दुकानदार, सर ये फोटो नहीं, आईना है। लालू, गोली मार दें तोहरा कपार में, ऐसन फालतू चीज जो बेचा बिहार में। एक बार पप्पू ने घड़ी बनाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे। घड़ी वाला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन जब घड़ी वाले ने पप्पू से जब अपना मेहनत आना मांगा तो पप्पू ने उसे दो थप्पड़ मार दिया। घड़ी वाला, यह क्या किया तुमने। पप्पू, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे चार थप्पड़ मारे थे। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वापस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर। मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा, जहाँ भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। पटियाला दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके नाम पर कोट है, बैंक है, सूट है, सलवार है, जूती है और पैक तो है ही। टीचर, बेटा बीरबल का जन्म कब हुआ था। संता, गुरुजी यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, ना कि लोगों के जापे निकालने आया हूँ। भारतीय माँ जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है आंटी, आपको कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। नो। माँ और बीवी में क्या अंतर होता है। सुंदर उत्तर, माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर ले लो जी। हस्बैंड, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं है, लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा खानदान, कर्म फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा और रोटी चल ले। एक चूहा था, बदतमीज, सारा मैसेज उतर गया, वरना इतना कुछ लिखा था आपकी तारीफ में कि बस पूछो ही मत। एक मोटरसाइकिल वाले ने पता पूछने के लिए संता से पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे लाल किला जाना है। संता, तो जाना भाई, ऐसा हर किसी को बताते जाएगा तो पहुंचेगा कब। क्लास में नैतिक शिक्षा के पाठ के दौरान बच्चों को चोरी करना बुरी बात है, यह समझाने के बाद टीचर ने पूछा, अच्छा बताओ, यदि मैं किसी आदमी की जेब से उसे बताए बिना रुपये निकाल लेती हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी। एक बच्चे ने हाथ उठाकर बताया, उस आदमी की बीवी। खराब सी लग रही है पप्पू। ओह नो, मैं सोच रहा था कि हम आज डिनर कहीं बाहर करते हैं। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी मजाक कर रहा था, शाबाश, चल उठ रोटी बना ले। स्कूल में आग लग गई, सब बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, पर एक बच्चा उदास था। अध्यापक छात्र से, बेटा तुम उदास क्यों हो। छात्र, सर आप जिंदा कैसे बचे। मलेरिया के मच्छर ने अपने बेटे से कहा, डेंगू का कोर्स कर पगले, उसमें करियर है। दूसरे लड़के से कहता है, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज क्यों किया। लड़के ने मस्त जवाब दिया, जब तक लड़की कुंवारी है न तुम्हारी है न हमारी है, बस सरकारी है। बेटा तुझ पर एक चुड़ैल का साया है, भग बाबा मैं थप्पड़ मार दूंगा जो मेरी बीबी के बारे में कुछ कहा तो। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए।
अरे गधे, होमवर्क क्यों नहीं करता है तू? स्टूडेंट तमीज से बात करो साले, कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? जागो ग्राहक जागो। आशा करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आपके चेहरे पर से टेंशन दूर हो गई होगी और आप हंस रहे होंगे। अगर आपको हमारी जोक अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।